जय श्री राम। जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग वीडियो। गुड मॉर्निंग आप सभी को। भाई रिप्लाई में गुड मॉर्निंग नीचे लिख दो, गुड आफ्टरनून लिख दो, गुड इवनिंग लिख दो, या सोने जा रहे हो तो वो लिख दो। मैं अभी मेरी सुबह हो रही है भाई, लगभग बज रहे हैं 10:30 और मैं सोकर उठा हूँ जस्ट। नाला सुपारा में सुबह हो रही है क्योंकि मैं मामी के घर में हूँ। आप लोग लास्ट व्लॉग देखे रहेंगे तो आज मैं जाऊँगा अपने घर, शाम तक पहुँच जाऊँगा मैं। उससे पहले ना आप लोगों से ये बोलना चाह रहा हूँ कि कल रात में मैं सोचा कि मैं मतलब जो पहले करना चाह रहा था ना मैं वो करूँगा, क्योंकि ये जो शॉर्ट्स का आइडिया आया था ना मुझे, ये शॉर्ट्स का मुझे आइडिया आया था 27 या 28 दिसंबर को आया था मुझे। तो मैं अचानक से शॉर्ट्स शुरू कर दिया कि एक जैन से करता हूँ, बट मुझे एक जैन से करना कुछ और था। मैं शॉर्ट्स के चक्कर में पड़ गया तो वो छोड़ दिया, क्योंकि मुझे मैंने जॉब कर रहा था उस वक्त, तो वो मैं नहीं कर पाता है। दरअसल मैं करने वाला हूँ ट्रैवलिंग। वो किस चीज़ का ट्रैवलिंग, वो जब मैं शुरू करूँगा तो पता चल जाएगा। उससे पहले ना मुझे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी है भैया, हम्बल रिक्वेस्ट, कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो, जो भी लोग देखते हो, 10 लोग 20 लोग 50 लोग 100 लोग, तो प्लीज़ आप लोग मुझे ना कमेंट करके बोल दो। अगर आप लोग देखते हो तो कमेंट करो, और अगर आप नहीं देखते हो तो कहाँ से कमेंट करोगे कि मैंने बोला है कमेंट करने। आप कमेंट नहीं कर सकते तो भई आप मुझे कहीं भी, मेरा इंस्टाग्राम भी है इसमें, आप लोग प्रोफाइल पर विज़िट करके इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करके बताओ कि भाई ऐसा करो, नहीं ऐसे करो, भाई वहाँ ये गलत बोला, मतलब ऐसे कुछ बताओगे थोड़े, मतलब सच वाले जेन्युइन अगर आप लोग वो रिप्लाई दोगे मुझे तो मुझे समझेगा कि हाँ भाई मैंने ये गलती की है, तो मैं उसको सुधारूंगा। 100 में से 20-30% मैं सुधार लूँगा, फिर आगे वो और बेहतर हो जाएगा। तो आप लोग मुझे मतलब ऐसे बताओगे ना तो मेरा भी दिमाग खुलेगा कि हाँ ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। तो प्लीज़ मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोज़ देखते हो तो थोड़े मुझे आइडियाज़ बता दो कि मतलब डेली टाइप ब्लॉग में क्या करूँ और फिर क्या गलत करता हूँ वो बताओ बस। तो अभी मैं चल रहा हूँ भाई फ्रेश होने, फ्रेश होके नाश्ता करके फिर जैसा रहेगा वो बताता हूँ। सो गाइस अब फिलहाल मैं भाई नाश्ता वगैरह सब कर लिया हूँ और नहा लिया हूँ। बाल मुझे झाड़ने की आदत नहीं है, मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे, ऐसे ही रखना अच्छा लगता है इसलिए मैं ऐसे रखा हूँ, बट फिर भी मैं ऐसे ऐसे कर लूँगा क्योंकि बाहर निकलूँगा भैया मामी भड़क जाएगी, मामी कहेंगी लुखे जैसा हो ऐसा सब। तो अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, यहाँ से मैं जाऊँगा मेरे मामा के घर। मेरी मामी है मोटी मामी, मोटी मामी इसलिए क्योंकि बचपन में वो ना काफ़ी सारे मोटे हैं, तो बचपन में जब हम लोग छोटे थे ना तो उनको मोटी मामी मोटी मामी मोटी मामी करके बोलते थे, तो उनका नाम ही तब से पड़ गया मोटी मामी। हर कोई उनको मोटी मामी के नाम से ही जानता है। तो उनके घर जाना है, उनसे मिलना है, 1-2 घंटे उनके घर रुकना है और फिर उसके बाद निकलना है भिवंडी। हालांकि मेरे कपड़े पे मत जाओ यार, क्योंकि पता है क्या, ये सीन नहीं था कि भाई तुझे मामा के घर जाना है और मामी के घर जाना है, मामा मामी के घर जाना है। ये बस ऐसा था कि बस इंटरव्यू दे के वापस भिवंडी आ जाना है। वो तो अचानक जब मामी को पता चला कि भाई तू आया है यहाँ तक तो घर आ जाओ तुम लोग, ऐसा। तो अभी निकलता हूँ यहाँ से मैं थोड़े टाइम में। चलो भैया कर रहा हूँ मैं मामी के घर को टाटा बाय बाय। अरे फिर आना मामी के घर, टाटा बाय बाय। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय। अब फिर कब आना होगा आइडिया नहीं। इसके पहले मैं कब आया था, गणपति के पहले आया था और फिर जब यहाँ से हाँ, और उसके बाद यहाँ से जाने के बाद मैंने शुरू किया था गणपति में वीडियो और फिर वो चल गई थी। यहाँ मैं आया फिर और कल भैया से बहुत बात हुई, भैया ने मुझको बहुत समझाया, जो सोनू भैया थे। वो तो मैं सोया था, वो तभी चले गए जॉब पर, मैं सो के उठा 10:30 बजे, वो चले गए थे लगभग 10 बजे अपने मतलब काम पर। तो उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ समझाया है, तो मैं जो करना चाह रहा था वो मैं शुरू करूँगा, बस थोड़ा सा टाइम लेकर थोड़े पैसे जमा कर कर। तो मैं यहाँ से निकलता हूँ और पहुँचता हूँ मोटी मामी के घर। तो गाइस अब मैं आ चुका हूँ मेरे मामी के घर पे और मामी अंदर हॉल में है और मैं इधर भाई बेडरूम में लेटा हुआ हूँ। हाँ भाई नींद आ रही है, बट मुझे घर जाना है। तो अभी मैं
लगभग 4:30 या 5:30 की ट्रेन पकड़ूंगा भिवंडी वाली, और स्टेशन पर ही मैंने अपनी बाइक पार्क की है, तो बाइक उठाऊंगा और निकल के घर पहुंचूंगा। बस मेरा उठने का मन नहीं कर रहा है यार, सोच रहा हूँ कि सो जाऊं, लेकिन अगर मैं एक बार सोऊंगा ना तो फिर मेरी नींद जल्दी नहीं खुलेगी। भले मैं सो के उठाऊँ 11 बजे 10:30 बजे, लेकिन मेरी नींद नहीं खुलेगी, इतना मैं जानता हूँ। खैर, मैं फिर से आपको बोलता हूँ, कृपया करके कमेंट करो, कमेंट नहीं कर सकते तो मुझे इंस्टाग्राम पर बताओ, इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, मैंने आईडी डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। तो कृपया करके इतना करो अगर आप लोग मेरे व्यूअर्स हो भाई। तो गाइस, फिलहाल अभी सीन ऐसा हो गया है ना कि मैं जब भी ट्रैवल करता था तो मैं हमेशा कहता था कि ये जो रूट की ट्रेन है हमेशा 5 मिनट लेट होती है, बट आज फर्स्ट टाइम भाई ये ट्रेन ना 5 मिनट पहले चल गई। 4:45 का टाइम है इसका, 4:45 का, वसई रोड पनवेल, और अभी कितना हो रहा है, 4:42, और ट्रेन ना निकल चुकी है, जस्ट हम क्रॉस कर रहे हैं वसई रेलवे स्टेशन। पता नहीं कैसे भाई, आज पहली बार मैं लगभग 2-2.5 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम ऐसा सीन हो रहा है। जस्ट वसई क्रॉस किए, पता नहीं कैसे, बट कोई नहीं, ठीक है भाई, पहुँच गया, सही है। देखो भाई, गौरी गणेश आ गए, मतलब मैं आ गया गौरी गणेश के पास वापस अपने घर, और अब बज रहे हैं 7। वैसे तो मैं आया हूँ लगभग 6 बजे का, बट मैं घूम रहा था, और अभी मैं निकलूंगा थोड़े टाइम में जिम, क्योंकि कल का और आज का 2 दिन का आज हिस्सा बराबर करना है। तो तब से मैं लगा देता हूँ मेरा फोन चार्ज में। मच्छर कहाँ से आ रहे हैं गौरी? अच्छा, रात हो गया। अरे वाह, बाप रे, अब सोना पड़ेगा भाई, रात में सोना पड़ता है, मुझे नहीं पता था ये बात, अच्छा बताया गौरी ने। ऐसा मान ही ना कर, कुछ भी ना है, मैं हो चुका है गाइस हमारा, मैं हो चुका है, सब खत्म। बंद किया वो अंकल आदर भैया को, है ना, वो जो तवा दिख रहा है वही चटा दो। यार सोचा जाता हूँ कुछ खाता हूँ, अभी तक जिम नहीं गया, खत्म सब, गलत समय पे आ गया, कुछ भी नहीं मिलेगा, मोए मोए हो गया। देखो अंकल दुआड़ो, इसीलिए रुके थे क्या? कोई बात नहीं अंकल, आदर्श इतना बड़ा भुखड़ है कि वो जो आपकी ये चटनी है ना, चटनी पी जाएगा, ये दो इसको बस। वो तो मैं पीऊंगा ही, मैं तो अब प्यासा हूँ। किस चीज का? तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। अच्छे वाले अच्छे सोचेंगे, गंदे वाले गंदे सोचेंगे, अपन दुनिया को थोड़ी ना समझाते बैठेंगे। तो तू हंसा क्यों? तू हंसा क्यों? गाइस जिम में पैसे तो भर दिया, बट पैसों का कर रहा हूँ मैं मजाक, सही में जिम जा नहीं रहा हूँ। मैं 8 बजे से जिम जाने वाला था, अभी बज रहा है 9:30 और मैं जिम में नहीं गया, और अब सोच रहा हूँ कि अब मैं जिम नहीं जाऊंगा। चल अशोक नगर दाबेली खिला के लाता हूँ। चल रहे हैं? नहीं चल रहा, पापा मारेंगे नहीं पकड़ेंगे। गाइस मैं जाने वाला था जिम, लेकिन ये लड़का कमीना, इसके वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। बोलते हैं भैया चलो दाबेली खिलाओ, नहीं नहीं दाबेली के लिए मैं बोला था, फिर ये बोलता है नहीं दाबेली नहीं, हम लोग सूप पियेंगे।
क्योंकि हम लोग दाबेली के लिए गए थे तो, बट वहाँ पे अंकल का स्टॉल नहीं लगा था, शायद बंद हो गया और रात के 10 बज रहे हैं, इसके वजह से आज मैं जिम नहीं जा पाया। आप जिम नहीं जा पा रहे हो ना, एक जगह नौकरी कर रहे हो गया, प्रॉपर्टी बेच के उसका कितने का माल बिकवाए, कितना फ्लैट बिकवाए, 2-3 करोड़ बिका कि नहीं उसका फ्लैट, इनका कुछ बिकना रहता, तुम्हारा भी कोई भरोसा नहीं है गाइस। कभी क्या पता ब्लॉग बनाना बंद कर दे या कुछ कर दे, अब LIC एजेंट बने, गाड़ी लेके यहाँ से वहाँ जाएंगे, भैया जी मेरा भैया जी एक इंश्योरेंस करा दो भैया जी, अब ये करेंगे, प्रॉपर्टी बेच के हो गया तो हम नया चालू कर रहे हैं। अब बज गए रात के लगभग 11 और मैं आ चुका हूँ घर पे और मैं जा रहा हूँ अब सोने, खाना पीना सब बाहर ही हो गया, तो मैं करता हूँ आज का ब्लॉग वीडियो एंड। कमेंट कर देना कर सको तो, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।